आपने पिछला वीडियो देखा था, मैंने हैशबोर्ड को पानी से क्लीन किया था। आप भी क्लीन कर सकते हो, लेकिन याद रखिए वो T17 या S17 प्रो का हैशबोर्ड था। S19 हैशबोर्ड में थर्मल पेस्ट होते हैं, तो आप हैशबोर्ड को जैसे ही खोलोगे थर्मल पेस्ट उसमें मिलेगा। आप उसको क्लीन करोगे, कपड़े से साफ कर लोगे, उसके बाद आप पानी से धोलोगे। पानी के साथ क्या करना है कि शैम्पू यूज करोगे आप। पहली बात तो साबुन नहीं यूज करना है, शैम्पू यूज करना है। तो शैम्पू से आप क्लीन कर सकते हो, लेकिन पानी से बेहतर रहेगा कि आप डिटर्जेंट यूज करते हो तो वो भी बेहतर रहेगा, नहीं तो आप डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं तो काफी बेहतर रहेगा। रीजन क्या है, पानी यूज करोगे धोलोगे तुरंत वो कार्बन बना लेगा, क्योंकि पानी में बहुत से तत्व पाए जाते हैं जिसकी रिएक्शन से हैशबोर्ड में व्हाइट फंगस लगने लगेंगे और वो जंग का रूप बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेहतर ये कि आप पानी से भी धुल रहे हो या डिस्टिल वाटर या फिर स्प्रिट वगैरह से ISO प्रोफाइल से धुल रहे हो तो क्लीन हो जाना चाहिए, 100% सूख जाना चाहिए वो। जैसे ही वो सूख जा रहा है उसके बाद आप यूज कर सकते हो। सुखाना कैसे है, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हो आप या ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर अच्छे से पेस्ट लगाइए उसमें, आगे पीछे हीट सिंक के दोनों तरफ बढ़िया से पेस्ट अच्छी क्वालिटी का लगाइएगा, फिर आप पैक कीजिएगा। या धुलते वक्त बहुत तेज से नहीं आप रगड़ेंगे, नहीं तो रेजिस्टेंस वगैरह उखड़ जाएंगे तो बोर्ड में प्रॉब्लम्स आएगी। याद रखिए ये जो भी चीज़ें हम लोग काफ़ी दिनों से ये काम कर रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस है कैसे क्लीन करना है ताकि बोर्ड में प्रॉब्लम्स ना आए। आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो बोर्ड में प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप खुद ये चीज़ें ना करें। हाँ, पानी से धुली जाती है, 100% कन्फर्म है कि पानी से धुले जाते हैं, डिस्टिल वाटर का यूज़ किया जाता है, नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छे से हम लोग उसको सुखा लेते हैं हेयर ड्रायर से या ब्लोअर से। तो आप भी अच्छे से सुखा सकते हो, सावधानी से कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धुल सकते हो। तो यही था, कई लोगों का क्वेश्चन था कि अब पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है ये, लेकिन क्लीनिंग और पेस्टिंग अच्छे से होनी चाहिए। ये था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स पे, तब तक के लिए बाय बाय।